नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कटिहार जिले के धौलाई विधानसभा केंद्र के हवाई थम खुली चौड़ा क्षेत्र में मिजो दुष्कृत कारियों द्वारा असम की जमीन कब्जा किए जाने पर छाई तनाव के माहौल, पुलिस प्रशासन जुटी हालात की निगरानी में। असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपन बोरा व भूतपूर्व वन मंत्री रकीबुल हुसैन द्वारा करीमगंज में बंगाली समुदाय के लोगों को गुलाम करार दिए जाने के विरोध में जलाया गया कुछ पुतला, लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति की अपनी जमीन हड़प कर सड़क बनाए जाने के मुद्दे को लेकर छाई तनाव के माहौल, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में, परेशानी झेल रहे हैं सभी समुदाय के लोग। कटिहार जिले के एपी बटालियन कटाल ट्रेनिंग कैंप में 47 फिजिकल ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को प्रैक्टिकल प्रोफेशन के जरिए किया गया तैनात, मीडिया को किया गया ब्रीफिंग। करीमगंज जिले के चिरागी गांव पंचायत के अधीन कई क्षेत्र में मिजोरम के द्वारा असम की जमीन हड़पे जाने पर लोगों में छा रही तनाव के माहौल, करीमगंज जिले में भी उभर रही है शक की बुनियाद। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पिछले कई वर्षों से मिजोरम सरकार द्वारा असम के कई क्षेत्र में जबरन जमीन दखल की वारदात हो रही है। कटिहार जिले के धौलाई हवाई तान खुली चौड़ा क्षेत्र में असम की जमीन मिजो समुदाय के दुष्कृतकारियों द्वारा जबरन दखल किए जाने को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। असम मिजोरम सीमांतवर्ती खुली चौड़ा इलाके में इस वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची है और हालात नाजुक बताई जा रही है। इस क्षेत्र में करीमगंज सीमांत के चिरागी जीपी में भी ऐसे ही वारदात होने की जानकारी मिली थी। इस क्षेत्र में मिजोरम IR बटालियन के कैंप असम की भूमि पर बनाए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। दोनों तरफ जहां रणंगदेही माहौल देखने को मिल रही है, तो इसी दौरान द्विपाक्षिक तौर पर पुलिस प्रशासन अपनी अपनी सरकार की ओर से बातचीत में कार्रवाई पर उतर रही है। लेकिन पिछले कई वर्षों से असम की भूमि पर मिजोरम सरकार तथा मिजो दुष्कृतकारियों द्वारा जबरन दखल की वारदात, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन राज्य व केंद्र सरकार इस सदन में क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है? सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी क्यों कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं? इस पर आवासीय क्षेत्र के गाँव के लोगों में तीव्र असंतोष का माहौल है, क्योंकि अक्सर ऐसे वारदात के चलते ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग तनाव में वक्त गुजारते हैं। बहरहाल द्विपाक्षिक तौर पे पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक अधिकारीगण बातचीत के जरिए समस्या के समाधान का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिजोरम सरकार तथा उनके प्रशासन इस संदर्भ में कोई अहम कार्रवाई नहीं कर रहा और जबरन गैर जिम्मेदाराना तौर पर असम की भूमि पर अपने कब्जा जमाने में कोई भी कदम पीछे नहीं छोड़ रहा है। আসাম পুলিশ আইলে এখন আজকে গুল্লাগুল্লি হইব। এবার যাই হোক, আমরা আসাম পুলিশও তারা পুরা প্রস্তুতি নিয়ে আইছে, আর পরে লোকাল পাবলিকে মিলিয়ে এটা পুরা ভাঙচুর করিয়া যে তারা যে একটা ঘর বানাইছিল এটার থেকে তারা একটু সরানি হয়েছে। সরানির পরে একটু পরেই তারা আবার হাতে দা টা লইয়া বহুত জন তারা এখানে আসলো, আবার পরে যাই করবার মধ্যস্থতার মধ্যে তারা এখানে দুজন মানুষকে দিয়া মধ্যস্থতা করিয়া তারা একটু সরানি হয়েছে আর আমরা তো সরিয়ে এখনো আছি। এখন বর্তমানে তো পরিস্থিতি উচ্চ স্তরে কথাবার্তা এবং ঠেলা ধাক্কাও কেউ কেউ করেছেন। এরপরে আমাদের আসাম সরকারের প্রশাসন এবং এখানে ডিএফও ছিল, রেঞ্জারও ছিল, ওনারা বুঝিয়ে শুনিয়ে MRP গেট এবং ওনাদের প্রশাসন এবং জনসাধারণকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয় এবং আমাদের আসামের যারা আমাদের এই জনগণ এখানে এসেছিল ওনারাও এখান থেকে চলে যায়। এখন পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তই আছে, অতটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানে আমি সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। আমার নাম শ্রী বিভাস আচার্য, আমি চান্নিঘাট ভারতীয় জনতা পার্টির নরসিংপুর ব্লকের এক্সিকিউটিভ মেম্বার। मंगलवार को करीमगंज में एक नागरिक सभा में असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपुन बरा व भूतपूर्व वन मंत्री रकीबुल हुसैन द्वारा एक
सभा में अपने वक्तव्य में बंगाली समुदाय के लोगों को भाजपा सरकार के गुलाम करार दिए जाने के वक्तव्य को लेकर पूरे इलाके में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। उनकी शशालीन मंतव्य के चलते पूरे करीमगंज जिले में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। करीमगंज जिला युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस दिन उनका कुश पुतला जलाया। सूत्र के अनुसार इस दिन क्षुब्ध कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रिपुन बोरा तथा वन मंत्री रकीबुल हुसैन के कुश पुतला जलाकर नाराजगी व्यक्त किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा रामकृष्ण मंडल शाखा के व्यवस्थापना में इस दिन चामेला बाजार संलग्न क्षेत्र में असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपुन बोरा व मंत्री रकीबुल हुसैन की कुश पुतला दहाकर क्षोभ व्यक्त किया गया। साथ ही इस दिन कार्यक्रम में सभापति सौरभ दास, जिला युवा मोर्चा के संपादक प्रीतम पाल, युवा मोर्चा के दूसरे सदस्यगण भी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस अशालीन वक्तव्य के चलते दोनों मंत्रियों को तथा नेताओं के संदर्भ में माफी मांगनी होगी और तो और सामुदायिक ऐसे बयानबाजी के चलते जो माहौल खड़ा हुआ है उसके लिए अगर कोई भी अप्रिय वारदात होती है तो इसके लिए असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभापति रिपुन बोरा व भूतपूर्व वन मंत्री रकीबुल हुसैन ही जिम्मेवार रहेंगे। বাঙালিরা নাকি বিজেপি সরকারের গোলাম, তাই আজকে আমরা যুব মোর্চারা রকিবুল হোসেন এবং আসাম রাজ্যিক কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বোরাকে ধিক্কার জানাই। সেই বিভাজনকারী কংগ্রেসদেরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি, আমরা সবাই এক। আমাদের মধ্যে বাঙালি, আসামি, মণিপুরি আমাদের মধ্যে এইসব কিছু নেই, আমরা সবাই এক আছি। সঙ্গে আমাদের সংখ্যালঘু বাইরাও এক আছে। দম থাকলে, তোমাদের যদি হিম্মত হয় তাহলে রাতাবাড়ি থেকে বিজেপিকে হারিয়ে দেখাও। বিজেপি সরকার, যে বিজেপি সরকার বড়াক বেলিতে মিনি সেক্রেটারিয়েট, বোর্ড গেজ, পাসপোর্ট অফিস সহ বাঙালিদের জন্য সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল দিয়েছে, সেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালিদেরকে বলছে বাঙালিরা নাকি বিজেপির গোলাম। আমি কংগ্রেস সরকারকে ধিক্কার জানাই, কংগ্রেস সভাপতিকে ধিক্কার জানাই। রকিবুল হোসেন মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। রিপুন বোরা মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। ওটা 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 পুরো রাউন্ড করে উঠো। গত 12 অক্টোবর আমাদের পরমেন জেলায় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বোরা এবং রকিবুল হোসেন এসে এক সভা করেছিলেন। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति की जमीन हड़प कर यातायात के मार्ग बनाए जाने के साथ साथ कुछ सड़क बंद किए जाने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। कालीगंज जिले में इस वारदात को लेकर लोगों में नाराजगी का दौर देखने को मिल रही है। सूत्र के अनुसार इस संदर्भ में कालीगंज थाने में फखरुद्दीन, अब्दुल कादिर, नूरुल हसन व हानिफ अहमद नाम के 4 व्यक्ति के खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहा है और तो इस क्षेत्र में लोगों का आरोप है कि रात करीब 8:30 बजे पंचायत व दूसरे हस्तियों को जानकारी दिए बगैर ही सड़क के ऊपर अस्थाई प्रतिबंध बनाकर बंद कर दिया गया और यातायात बंद किए जाने पर गांव के हिंदू, मुस्लिम व सभी समुदाय के लोग यातायात परिसेवा से पड़े हुए हैं। 150 से भी ज़्यादा परिवार इसके प्रभाव में आ रहे हैं। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क को मुक्त किए जाने का लोगों ने मांग रखा है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने का अपील भी किया जा रहा है। खालीगंज जीपी 9 नंबर वार्ड, तो एकानो পঞ্চায়েত রাস্তা, প্রায় 1 কিলোমিটার ব্যাপী একটা পঞ্চায়েত রাস্তা আছে। যে পঞ্চায়েত রাস্তার উপরে আজকে সকালে 8:30 সময় এই ফখরুদ্দিন, আব্দুল কাদির, এই বাবা খয়রুল ইসলাম এরা এখানে গড় দিছে, বেড়া দিছে। এর আগে কয়েকদিন আগে, এই বেশ কয়েকদিন আগে, 5-6 বছর আগে একবার দিছে গ্রামের গ্রামবাসীরা, এটা মানে এই সরানি লাইছেন। এছাড়াও 10-12 বছর আগে আরেকবার দেওয়া হয়েছে এখানে। এইভাবে তারা মানে এই রাস্তার মাঝে বিভিন্ন সময় হ্যারাসমেন্ট করে। গ্রামের মানুষ প্রায় 50-60টা ফ্যামিলি আছে এখানে, যারা এদিকে আসতে সময় অসুবিধা হয়। আমরা আগে যখন মানে তারা বেড়া দিছে তখন মানে প্রতিবাদ করছি, কিন্তু এইবার আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি, যাতে প্রশাসনে আমরা রাস্তাটা খুলিয়া দেয়। এর লাগি প্রশাসনের কাছে আমরা আর্জি জানাই আর এই রাস্তাটা খুলিয়া দিবার লাগি। 100 কিলোমিটার লম্বা রাস্তা, ফ্যামিলি আসুন 50-60 ফ্যামিলি এখানে আসুন, হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির ফ্যামিলি আসুন, এরা এখানে বাস করেন। তো এই রাস্তা দিয়ে সব বাড়িতে লাগে, একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা এটা। এরা মানে বলপূর্বকভাবে এখানে মানে বন্ধ করছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুঁজার এটার মানে খুলিয়া দেওয়া। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
समाचारों के अगले चरण में कछार एपी बटालियन कठाल ट्रेनिंग कैंप में उत्तर पूर्वांचल के साथ साथ असम तथा बराक उपत्यका व उत्तर कछार पर्वतीय जिले के कुल 47 जाने माने पुलिस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के बाद नियुक्त किया गया है। सूत्र के अनुसार कछाड़ करीम झालाकांदी व डिमासा क्षेत्र के 4 जिले में 47 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर पुलिस को पिछले 2 साल से विभिन्न क्षेत्र में कार्रवाई के जरिए फिजिकल ट्रेनिंग दिया गया था और प्रैक्टिकल प्रोफेशन के जरिए उनका इम्तहान भी लिया गया था। बाद में मीडिया ब्रीफिंग के जरिए उनका इम्तहान भी लिया गया था और इस क्षेत्र में इम्तहान लिए जाने के बाद कुल 47 लोगों को ही उत्तीर्ण करवा दिया गया और इस संदर्भ में उन्हें अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। DIG दिलीप दे, 6 FEBN के कमांडेंट डॉक्टर रथिंद्र टेंडन, असिस्टेंट कमिश्नर लखीपुर जॉय क्रिस्टीना नंगला व कछार एपी बटालियन के कठाल ट्रेनिंग कैंप के दूसरे हस्तीगण भी इस दिन के कार्यक्रम में मौजूद थे। संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया गया। गुटे किसान प्रोबेशनरी सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रैक्टिकल प्रोबेशन आसिल गति के आम माननीय आरक्षी संचालक प्रधान महोदय निर्देश मर्मे आज प्रति रेज द्वित पर्यायर सब इन्स्पेक्टर प्रोबेशनरी सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस सकलर एसेसमेंट टेस्ट लुआ हुई है। आज द्वित पर्याय जो 11 तारिखे 8 रेज आसे 8 रेजर हेडकोर्टर प्रति रेज DIG एलंग विथ 2 अदर मेम्बार्स थियोरी परीक्षा लैसे ऑन द क्वेश्चन पेपर सेट इन द पुलिस हेडक्वार्टार्स और भाईबा लैसे आज हल प्रैक्टिकल टेस्ट इतना आम इनवल्व करदार देन पुलिस अदार देन मेम्बार्स अफ दि बोर्ड आमार एगराकी लेडी मेजिस्ट्रेट आसे मीडिया हाउस आसे बहुत प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं आगत मीडिया ब्रीफिंग दी किमान पारदर्शी हल जो दुबर कि शिकिले कारण सब इन्स्पेक्टर अफ पुलिस तो हल मूल आमार बैकबोन अफ दि होल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और किमान दूर शिकिले किमान पारदर्शी हल इत्यादि ऊपर एट मूल्यायन करें गोटे परीक्षार सिस्टम तो आमार माननीय आरक्षी संचालक प्रधान महोदय निर्देश मर्मे आम प्रत्येक रेज 8 रेज आज दिन और जो 11 तारिखे आम थियोरी परीक्षा लैस आज दिन प्रैक्टिकल लैसद धोलाई विधानसभा केंद्र के हवाई थान क्षेत्र में जहां मिजोरम अग्रासन कर रहा है तो इसी दौरान करीमगंज जिले के चेरागी गांव पंचायत के अधीन कई क्षेत्र में भी मिजो समुदाय के लोगों द्वारा जबरन दखल किए जाने की वारदात हो रही है। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के लोग बेहद परेशानी झेल रहे हैं और नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। कई क्षेत्र में इस कार्रवाई के चलते लोगों को बेहद तनाव के माहौल में गुजरते देखा जा रहा है। IR बटालियन के गतिविधियों को देखते हुए जहां मिजोरम पुलिस के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं तो इसी दौरान कछार पुलिस तथा असम राज्य के भूमि मिजोरम सरकार द्वारा अग्रासन किए जाने पर कोई कदम न उठाए जाने से आवासीय क्षेत्र के लोग तनाव में बहुत गुजार रहे हैं। इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने गहरा नाराजगी व्यक्त किया है। और आज का जो विवाद हुआ है मिजोरम असम का बीच वो बहुत दिन पहले से चल रहा है। पहले लॉकडाउन का पहले वो फॉरेस्ट ऑफिस यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर था, यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर था वो लगभग जो गांव है वहाँ पे कुलिसड़ा बोल के वो भी असम का है। वहाँ पे एक LP स्कूल भी है, तो दलाखाल LP स्कूल वो नसीमपुर ब्लॉक का अंडर में है। तो जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है तब वो लोग पुलिसवा पॉइंट में आया था पहले चेकिंग गेट लगाने के लिए, वो उधर कुछ दिन रुका। उसका बाद 2 किलोमीटर इधर आके वहाँ पे नज़दीक 8-10 दिन से बैठा है, उसमें वो गेट का ऊपर लेटा हुआ है पुलिस चेक गेट। तब से फॉरेस्ट हमारा असम का जो फॉरेस्ट का आदमी है वो भी आने नहीं देते, असम का कोई बंदा भी आने नहीं देते। सिर्फ यहाँ पर नहीं, नेशनल 306 नंबर हाईवे पे वो वहाँ पे भी वो लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं। करीमगंज जिले के बदरपुर क्षेत्र में एक गांव की वाहिनी के सदस्य के आवास के में अग्निकांड की वारदात होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा है। सूत्र के अनुसार BDP संपादक अब्दुल आजीज के घर में पिछले रात को किसी दुष्कृतिकारी ने अग्निसंयोग कर फरार हो गया। इसी दौरान अग्निकांड के दौरान लगभग 6 लाख रुपए के सामान आग में जलकर राख हो गया। साथ ही
जरूरी कागजात भी आग की लपेट में आकर राख हो गए। इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी संपादक अब्दुल अजीज के परिवार को सहयोग किए जाने का लोग मांग भी कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में बदरपुर अग्निर्वापक वाहिनी को जानकारी दिया गया, लेकिन जब तक अग्निर्वापक वाहिनी के वाहन अग्निकांड के घटनास्थल पर पहुंचता तब तक सब कुछ आग में स्वाहा हो चुका था। बहरहाल इस मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुट गई है। বাড়ির কাগজপত্র অন্যান্য নথিপত্র আমার আসবাবপত্র প্রায় 6 লাখের মধ্যে কিন্তু তো তাকে দেখো এটা তো থাকবো এটা আপনার অনুমানটা হলো শত্রু থেকে এটা জয়েছে এটা শত্রু থেকে জয়েছে আমরা মধুর ফায়ার সার্ভিসও কলটা গেছে 7:09 আর দুবাই বসে তো আমরা ডিস্টেন্সার দৌড় থেকে বাসির গামর ডিস্টেন্সার যেটা এটা দিয়ে এবং বাসপিতর যেটা গোড় যেটা আর আমরা জায়গাতে স্কুটো আইটেম পাঠিয়েছি এমনকি রাস্তাটা তো সামান্য অসুবিধা মেইন জায়গা তো গাড়িও হয়তো সম্ভব হয়েছে না মেইন জায়গায় রাখি দিয়েছি আর আবার আগে গোড়টা পুরো দিয়ে অসুবিধা হয়েছে असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में विवादित स्थल पर जहां कई नेता अपने दौरा कर रहे हैं तो इसी दौरान रातावाड़ी के विधायक विजय मालाकार व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस क्षेत्र का दौरा किया गया। जिला भाजपा के सभापति सुब्रत भट्टाचार्य व दूसरे कार्यकर्तागण इस क्षेत्र का दौरा करते हुए आरोप लगाया कि असम की जमीन जबरन मिजोरम सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा दखल किया जा रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत भी किया जा रहा है, लेकिन मिजोरम सरकार इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला करीमगंज कमेटी के साधारण संपादक निर्मल बनिक, करीमगंज जिला परिषद के चेयरमैन आशीष नाथ, चेरागी जिला परिषद सदस्य दिजेंद्र नाथ शर्मा, दुल्लचौड़ा भाजपा मंडल सभापति जितेंद्र लाल राय, जीपी सभापति बाबूलाल चौराई व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। मिजोरम बॉर्डर जो हमारा असम और माटी मिजोरम में दखल कर আমার যে বর্ডার লই যাব কারণে আইছিল আজি আমার লগত আছিলে আমার জেলার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আমার জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এই জেলা পরিষদের সদস্য লগে লোকেল আমাদের জিপি প্রেসিডেন্ট সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করেছি যে যাওয়ার জন্য আমাদের যে যতটুকু বর্ডার আছে আমাদের যতটুকু জায়গা আছে ওখানে যাওয়ার জন্য ওরা আমাদেরকে যেতে দেয়নি। অলরেডি এই বিষয় নিয়ে আমি সিএমের সাথে দেখা করেছি, সিএমের সাথে কথাও হয়েছে। কালকে আমি যতটুকু জানি কালকে থেকে যে আমার পাতারকান্দির থেকে মিজোরামের যে বর্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আজকে আমি এখান থেকে গিয়ে আমাদের সিএম স্যারের সাথে কথা বলবো যে আমাদের যে মিজোরামের সাথে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে শিলচরের সাথে, এই শিলচরের সাথে যদি আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, না বন্ধ করলে ওদেরকে যদি আমরা প্রেশারে রাখি না তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের এই জায়গাটা ওরা কব্জা করে নেবে। এটার জন্য সিএম স্যারকে বলবো যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া যায় যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। 19 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे बाद्रीघाट बीज डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुख से एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया है। इस नागरिक सभा में जल्द से जल्द बाद्री बीज निर्माण किए जाने की मांग को खुलासा किया जाएगा। इस संदर्भ में अल्हाज अमीनुल हक लश्कर जो कि सुनाई के विधायक पद पर आसीन है प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सीचर के सांसद तथा डॉक्टर राजीव राय सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा सिलचर के विधायक दिलीप कुमार पाल, उधारबंद के विधायक मेहर कांति सोम, लखीपुर के विधायक राजीव ग्वाला व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस मुद्दे को लेकर आलोकपात किया जाएगा। डिमांड कमेटी के सभापति अल्लामा हजरत मौलाना अहमद सईद गोविंदपुरी ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए और इस सभा में सभी स्तर के लोगों को मौजूद रहने के लिए उन्होंने अपील भी किया। 4 दिगे बसलम यह ब्रिज तो बहुत आंदोलन एवं बहुत जनसाधारण सह सरकार प्रचेष्टा বাদ্রি ব্রিজ হয়ে গেছে, অ্যাপ্রুভের খুবই দরকার। তো অ্যাপ্রুভের জন্য আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় মন্ত্রীসহ বিভিন্ন আবদার প্রচেষ্টা চালানির পরে অ্যাপ্রুভটা হইতে দেরি হইতেছে।
तो ये हमें विभाग मंत्री दिए और दुई एक बार बोलछी हेमंत विश्व शर्मा के आबार हमरा उपाध्यक्ष महोदय को बोले एमपी साहेब को बोले गत बाशकान्दी कलेजर मीटिंगे आबार हमरा बोलबो एमपी साहेब के अनुरोध करब उपाध्यक्ष साहेब के अनुरोध करब और विभाग मंत्री हेमंत विश्व शर्मा के शिलचर जखन आगामी प्रोग्राम होबे আমি নিজে ওনার সাথে দেখা করে সাক্ষাৎ করে বাদ্রিঘাট ব্রিজের এ পুরস্কারটা যেন হয় তার জন্য আমরা সম্মিলিত কমিটির মানুষ আমরা সম্মিলিতভাবে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব। দুর্গাপূজা মহোৎসবকে পাওয়ার অবসর পর উদারমন ক্ষেত্রে শিলচর কে জানে মানে সামাজিক বা ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সংগঠন খোঁজ কে কার্যকর্তা দ্বারা বস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম আয়োজিত কিয়া গিয়া সাথে কুছ জানে মানে খিলাড়িও সম্বর্ধনা প্রদান কর সম্মানিত ভি কিয়া গিয়া। শনিবার শাম কো उदारवन मातृभाषा आक्रमण संस्थान के सहयोग से डायट क्षेत्र में स्थित भाषा शहीद मीनार प्रांगण में 20 महिलाओं के हाथों साड़ी वितरण किया गया। साथ ही मातृभाषा आक्रमण के कार्यकर्ताओं के उद्योग से इस दिन इस प्रजन्म के चार कीर्तिमान खिलाड़ियों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। फुटबॉल खिलाड़ी विधान राय राजू पाल व वर्तमान प्रजन्म के दो बैडमिंटन खिलाड़ी प्रीतम दत्त सौरभ भूरा को सारस सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के सचिव सजल लस्कर जिला क्रीड़ा संस्था के सिलचर स्टेडियम सचिव नीलय पाल मातृभाषा आक्रमण सुधारवन के कार्यकारी सभापति सीमांत भट्टाचार्य सचिव संजू राय कोषाध्यक्ष जयंत कुमार दास कमाल लस्कर व दूसरे हस्तगण मौजूद थे। मातृभाषा ऐक्य मंचर सहयोगित खोज सिलचर सौजन्ये आज उधारबंद विभिन्न अंचल 20 जन महिलार हाथे शारदीय उत्सव उपलक्षे खोजर पक्ष 20 शाड़ी तुले देवा है এবং উধারবন্দ অঞ্চলের চার প্রজন্মের চার কৃতি খেলোয়াড়ের হাতে শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে খোঁজ যেভাবে এগিয়ে এসছে উধারবন্দের প্রতিটা জনসাধারণের পক্ষ থেকে মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চ উধারবন্দের সম্পাদক হিসেবে খোঁজের বন্ধুদেরকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের নিকট তাদের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী উৎসবের দিনগুলো সবার জীবনে সুন্দর ও শান্তিময় হয়ে উঠুক এই ঈশ্বর নিকট প্রার্থনা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি। করিমগঞ্জ জেলে কি আসাম মিজোরাম সীমান্তবর্তী ক্ষেত্র মেদিচড়া এলাকায় বিতর্কিত ক্ষেত্র কা প্রদর্শন কিয়া পাথারকান্দি বিধানসভা যুবা কংগ্রেস কে কার্যকর্তা কমলাকর দেবপুরকাস্ত ও দূসরে হস্তিও নে গৌরতলব কি ক্ষেত্র মে করিমগঞ্জ জেলাধিপতি পুলিশ সুপার কি মৌজুদগি মে পুরো ক্ষেত্র কা দৌরা কিয়া গিয়া। इस संदर्भ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर काफ़ी दबाव डाला था ताकि क्षेत्र का दौरा किया जाए, जिसके चलते करीमगंज जिले के जिलाधिपति व पुलिस सुपर घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। असम राज्य की एक इंच जमीन भी दूसरे राज्यों को प्रदान नहीं किए जाने का चेतावनी दिया गया, नहीं तो आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन गठन किए जाने का आवासीय क्षेत्र के लोगों ने चेतावनी भी दिया है। बहरहाल मिजोरम क्षेत्र में जहाँ तनाव का माहौल है तो वहीं दूसरी ओर मेदिनीछोड़ा वासम मिजोरम सीमावर्ती कई इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। विषय है आज हमारे जो असम मिजोरम सीमांत जहाँ हमारे পাথারকান্দি विधानसभा अंतर्गत जो मेदिनीछोड़ा ग्रामे आज एखे एस देखते पाई जे विगत दुई तीन बच्चर धरे क्रमश मिजोरम जो आग्रासन जमिर उपरे चलते मटर उपरे चलते मार उपरे चलते देखते पे कि মানে অবৈধভাবে তিন কিলোমিটার প্রবেশ করে ওরা আমাদের জমিতে ক্যাম্প বানিয়েছে এবং ঘর বানানো চলছে। তাই আমি ধিক্কার জানাতে চাই বর্তমান আমাদের নেতৃত্বাধীন সরকারকে, কারণ বিষয় হয়েছে আমাদের অসম সরকার বলেছিলেন জাতি মাটি ভেটির রক্ষার কথা, কিন্তু আজ যে এই যে অবস্থা হয়েছে ক্রমশ তারা যে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ওরা আরও আগামীতে আরও দুই চার কিলোমিটার যদি দখল করে নেয় সম্পূর্ণ আমাদের বালিবিপ্লাকে গ্রাস করবে। সুতরাং আমি দাবি জানাতে চাই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এবং পাথারকান্দিবাসীর পক্ষ থেকে যে আসামের পক্ষ থেকে যে আমাদের এই জমিটুকু যেন আমাদেরকে সুরক্ষা দেয় সরকার, এবং একটি ব্রিজ যা আমাদের আসামের যে ইয়ে দিয়ে আসাম সরকার দ্বারা বানানো সেই ব্রিজের অর্ধেক অংশ ওনারা গ্রাস করেছে। সমাচারों के अंत में बड़ा वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के हवाई थम कुलीचोड़ा क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा असम की जमीन कब्जा किए जाने पर छाई तनाव के माहौल, पुलिस प्रशासन जुटी हालात की निगरानी में।
असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपन बोरा व भूतपूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन द्वारा करीमगंज में बंगाली समुदाय के लोगों को गुलाम करार दिए जाने के विरुद्ध में जलाया गया कुछ पुतला, लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति की अपनी जमीन हड़प कर सड़क बनाए जाने के मुद्दे को लेकर छाई तनाव के माहौल, पुलिस ड्यूटी मामले की छानबीन में परेशानी झेल रहे हैं सभी समुदाय के लोग। कटिहार जिले के एपी बटालियन कटिहार ट्रेनिंग कैंप में 47 फिजिकल ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को प्रैक्टिकल प्रोफेशन के जरिए किया गया तैनात, मीडिया को किया गया ब्रीफिंग। करीमगंज जिले के चिरागी गांव पंचायत के अधीन कई क्षेत्र में मिजोरम के द्वारा असम की जमीन हड़पे जाने पर लोगों में छा रही तनाव के माहौल, करीमगंज जिले में भी उभर रही है शक की बुनियाद। अब तक की बड़ा वार्ता में बस इतना ही, नमस्कार।